नाउ स्टूडेंट्स, हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पार्ट 1, कह रहा है यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 2। लेकिन मैं आपको बता दूं, एग्जाम में आपको पहचानना पड़ेगा कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इन चारों में से, ठीक है। तो आप बच्चों क्लियरली देख सकते हो, कह रहा है फाइंड 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो, यहाँ होल स्क्वायर लगा है ना, ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर लगा है, यानी कि यहाँ भी ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर लगा है। या तो फर्स्ट वाली यूज होगी या तो सेकंड वाली यूज होगी, है ना भाई। ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर, ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर। अब आपको साइन चेक करना है, यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, बीच में क्या है माइनस माइनस से मैच कर रहा है, तो सेकंड वाली लगेगी। यानी कि बच्चों यहाँ पर आइडेंटिटी लगने वाली है क्या आपकी, ध्यान से चेक करें, यहाँ लगने वाली a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर को ब्रैकेट में और बी ब्रैकेट में लिख के इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स, आप देखें आपको एक्सपेंशन करना है किसका, 4p माइनस 3q इसका एक्सपेंशन करना है और ये होल स्क्वायर है। कुछ नहीं करना है, आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो, एक जगह क्या रहा है 4p, यानी कि जहां जहां a आएगा हम क्या रखेंगे 4p। इसी तरीके से देखो, यहां माइनस है फिर यहां माइनस है, ठीक। और b की जगह क्या आ रहा है 3q, यानी कि b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3q, यानी कि जहां जहां b आ रहा होगा हम यहां पर क्या करेंगे, जहां जहां a आ रहा है हम क्या रखेंगे 4p, जहां जहां b आ रहा है हम क्या रखेंगे 3q। ओके, सो a का स्क्वायर, a की जगह हम क्या रखेंगे 4p, सो a का स्क्वायर है यानी कि 4p का स्क्वायर। ओके, फिर माइनस 2 इंटू a की जगह 4p इंटू b की जगह क्या लिखेंगे 3q, और प्लस b की जगह हम क्या लिखेंगे 3q। और ध्यान दीजिए, b के ऊपर स्क्वायर लगाए तो ब्रैकेट लगा के ऐसे करके स्क्वायर हम यहां पर लगा देंगे, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया हुआ है, करेक्ट। देखिए 4p का स्क्वायर क्या होता है, इसका मतलब होता है 4p इंटू 2 मत कर देना, इसका मतलब 4p को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 4p इंटू 4p कितना होगा, 4 जा 16, और p इंटू p क्या होता है p स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली आप जल्दी जल्दी कर सकते हो, कैसे, 4p का स्क्वायर, ये स्क्वायर 4 को मिलेगा, p को मिलेगा, करेक्ट। 4 का स्क्वायर 16 और p के ऊपर स्क्वायर लगेगा p स्क्वायर, तो आंसर उतना ही आएगा, जैसे करना हो वैसे कर लो, करेक्ट। लेकिन बच्चों आप गलती ये मत कर देना कि कभी अगर 4 प्लस p का होल स्क्वायर लिखा हो तो आप गलती से स्क्वायर इसको इसको दे दो और यहां लिख दो 16 प्लस p का स्क्वायर, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, मैंने आपको भी समझाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। अगर बीच में मल्टीप्लाई है, 4 और p के बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई है तभी स्क्वायर 4 को भी मिलेगा और p को मिलेगा, करेक्ट। अगर प्लस है तो आप नहीं दे सकते हो, करेक्ट, या बीच में माइनस है तो आप नहीं दे सकते हो, ठीक। नो, तो 4p का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16p स्क्वायर, उसके बाद माइनस, देखिए बच्चों यहाँ पे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 4 8, 8 3 24 हो गया, और p इंटू क्यू हो गया pq, ये लीजिए क्या दिक्कत है। सो प्लस, अब देखिए 3q का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 3q का स्क्वायर क्या होता है, 9q स्क्वायर, कैसे सर, देखो 3q का स्क्वायर है ना, इसका मतलब होता है 3q को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3q इंटू 3q, ओके। सो 3 3 9, और q इंटू q स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते थे आप कर सकते थे, ये स्क्वायर 3 को मिलेगा, सो 9 भाई 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 इंटू 3, यानी कि 9, और ये स्क्वायर q को मिलेगा, सो q का स्क्वायर q स्क्वायर 9q स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ बच्चों, ये गलती आपको नहीं करनी है, मैंने क्लासेस में देखा है बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, अगर 3 प्लस q का होल स्क्वायर है तब भी वो स्क्वायर 3 को q को सेपरेटली दे देते हैं और 3 का स्क्वायर 9 लिखते हैं और q का स्क्वायर q स्क्वायर 9 प्लस q स्क्वायर, ये रॉन्ग है। आप सेपरेटली 3 को और q को स्क्वायर तभी दे सकते हैं जब 3 और q के बीच में प्लस या माइनस ना हो, यानी कि मल्टीप्लाई हो, ओके, ठीक। नाउ 3q का स्क्वायर कितना आ गया 9q स्क्वायर, ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके बच्चों। लेकिन पता है मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको देखते ही जल्दी जल्दी आना चाहिए, कैसे, 4p माइनस 3q होल स्क्वायर है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, क्या होता है ए स्क्वायर ए की जगह 4p, सो ए स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू ए की जगह 4p और b की जगह 3q, आपको बिल्कुल जल्दी जल्दी आना चाहिए, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि 3q का स्क्वायर, ऐसे आपको फटाफट तुरंत देखते ही समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर इसको आप फर्दर सॉल्व कर लोगे वो तो आपको पता ही है, 4p का स्क्वायर 16p स्क्वायर माइनस 2 4 8, 3 24, p इंटू क्यू pq और प्लस 3q स्क्वायर क्या होता है 9q स्क्वायर, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसको हमने छोड़ दिया है क्योंकि कोई भी इसमें लाइक टर्म्स नहीं है, तो कोई भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन अब नहीं होगा, ओके, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 12 पार्ट 2 देखिए, हालांकि इन्होंने बोल दिया यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 2, करेक्ट, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपको खुद सोचना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो देखिए, सुनिए ध्यान से, सबसे पहला तरीका यह है कि 4.9 का स्क्वायर निकालना है ना, तो भाई पहला तरीका तो यह है कि 4.9 का अगर स्क्वायर निकालना है
तो विदाउट आइडेंटिटी हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब 4.9 का स्क्वायर मतलब 4.9 इंटू 4.9। लेकिन बच्चों ये एक टीडियस वर्क है भाई, 4.9 को 4.9 से मल्टीप्लाई करोगे, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। 4.9 हालांकि होने को हो जाएगा, लेकिन हमें आइडेंटिटी लगा के ही करना है, तो ऐसा नहीं करना है ना। अब सुनो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है क्या कि या तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, या तो हम क्या करें 4.9 का स्क्वायर जो है, हम सोचें कि 4.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 4.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 - 0.1। आप चेक कर सकते हो बच्चों, भाई देखो बच्चों अगर हम 5 में से 0.1 माइनस करें तो 4.9 ही तो आएगा, ठीक है ना। जिसको नहीं समझ में आ रहा है देखो 5 का मतलब क्या होता है पता है, 5.0 होता है, ठीक, 5 का मतलब 5.0 भाई, है ना। सो 5.0 में से अगर हम 0.1 माइनस करें तो क्या आएगा, चेक करिए, 0 - 1 9 होता है, और यहाँ से 1 कैरी लिया होगा, सो 4 बचेगा, 4 - 0 - 4, ये लीजिए 4.9 आया। इसका मतलब कि आप 4.9 को क्या लिख सकते हो, 4.9 को आप क्या लिख सकते हो, 5.0 - 0.1 आप लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि 4.9 को आप क्या लिख सकते हो, 5.0 का मतलब 5 होता है भाई, 5 के बाद पॉइंट लगाया 0, इसका कोई मतलब है नहीं, 5.0 का मतलब 5 होता है, 5 - 0.1 आप इसको ऐसा लिख सकते हो। तो एक तरीका ये है कि हमने क्या किया, हमने क्या किया बच्चों, 4.9 की जगह हमने क्या लिखा, 5 - 0.1 होल स्क्वायर। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, सेकेंड वाली, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। और दूसरा तरीका भी है, वो क्या है वो हम आपको बताते हैं, समझिए। दूसरा तरीका ये है कि कोई बच्चा ऐसा भी सोच सकता है कि सर 4.9 का जो होल स्क्वायर है सर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 0.9 का होल स्क्वायर, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम 4 + 0.9 करेंगे, 4 का मतलब 4.0 है ना, 4 का मतलब 4.0, सो 4.0 + 0.9 अगर आप करोगे, प्लस कर दोगे, अगर 0 + 9 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 के नीचे 4, करेक्ट, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 2, तो हम इसको माइनस लगाकर लिखेंगे। 4.9 को लिखने के दो तरीके हैं, 4.9 को या तो 5 - 0.1 लिखो, या तो 4.9 को 4 + 0.9 लिखो, ये भी हम आपको करके दिखाएंगे, रुक जाओ। पहले उन्होंने बोला आइडेंटिटी नंबर 2 को यूज करना है, तो पहले हम आइडेंटिटी नंबर 2 को यूज करके आपको बताते हैं कि ये सवाल कैसे होगा, ठीक। सो देखो बच्चों, हम अपनी कॉपी में लिखेंगे क्या, हम अपनी कॉपी में लिखेंगे यूजिंग, आप एग्जाम में ये मत लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 2, नो, पूरा लिख के दिखाओगे कि कौन सी आइडेंटिटी है। सो यूजिंग ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2 - a - b प्लस बी स्क्वायर, ओके। सो ध्यान देंगे, ये a का स्क्वायर है, ऐसे लिख लो, और ये b का स्क्वायर है, ब्रैकेट, b में ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर लगा दो, ठीक। सो बच्चों यहां पर a की जगह 5 है, चेक कर सकते हो आप, और b की जगह कितना है, b की जगह है 0.1, करेक्ट। सो यहां पर 5 - 0.1 का जो होल स्क्वायर है वो कैसे एक्सपैंड होगा, a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 2 - a - b यानी कि 2 - a, a की जगह 5 और b की जगह 0.1, करेक्ट, और प्लस b का स्क्वायर, b की जगह 0.1 का स्क्वायर, करेक्ट। नाउ 5² = 25, 2 × 5 = 10, 10 × 0.1, बच्चों देखिए अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर 2 × 5 = 10, मैं आपको दिखाता हूँ, देख लो 2 × 5 = 10 हो गया, और बचा क्या, (0.1) और प्लस 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर आता है करना, देखिए 0.1 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 0.1 × 0.1। अब देखो बच्चों 1 का क्या होता है, 1, और पीछे से 1 डिजिट छोड़ के एक बार डेसिमल लगा, और यहाँ 1 डिजिट और छोड़ के, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, यानी कि यहाँ 1 है, अब 1 के आगे कोई डिजिट नहीं, तो 0 बढ़ाएंगे और यहाँ 0 पॉइंट लगा लेंगे, तो 0.01 आ जाएगा। अभी भी जिसको नहीं आया है, ठीक है, आप देखो ना बच्चों, ये देखिए ये 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आ जाएगा, 1 × 1 = 1, 1 × 0 = 0 इंटू 0 × 1 = 0 और 0 × 0 = 0, सो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0, पीछे से 1 डिजिट 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो 2 डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल, 0.01 आ जाएगा, ओके। सो 0.1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0.01, करेक्ट, ये आ गया, ठीक है। अब सुनो 10 × 0.1 कितना होगा, 1 होगा, पता है कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ, तरह तरह से मैं आपको करके दिखाता हूँ। 10 × 0.1, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 1 बचेगा, एक तो ये तरीका है। देखिए जिनको कन्फ्यूजन है कि 1 कैसे आ रहा है ना, 10 × 0.1 करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देखोगे 10 × 0.1 अगर हम करेंगे, ठीक,
ठीक, देखिए 1 0 ज़ा 0, 1 into 1 1, फिर क्रॉस लगाएंगे 0 into 0 0, 0 1 ज़ा 0, सो यहाँ 0, 1 plus 0 1, और यहाँ 0। अब देखो पीछे से 1 digit छोड़ के डेसिमल लगाए, सो 1 digit छोड़ के यहाँ डेसिमल आ जाएगा, ये 0 को छोड़ के यहाँ, यानी कि कितना आ गया 0 1 0 1.0। अब देखो 0 1 का मतलब 1 ही होता है भाई, 0 1 के आगे 0 का कोई मतलब होगा नहीं, सो 1 point यहाँ से आ गया क्या 1.0, और 1.0 का मतलब 1 ही तो होता है, ठीक। सो यहाँ से आप देखोगे तो ये आ गया 25, और 10 into 0.1 कितना हो गया, माइनस ऐसे कॉपी करेंगे और ये हो गया 1, और प्लस 0.01। अब देखो बहुत ईजी है, करना कुछ नहीं है, 25 minus 1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, 25 minus 1 24, और प्लस 0.01, ठीक। अब देखो इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, मैं आपको बता दूं, 24 लिखो पहले, अब 24 के साथ डेसिमल नहीं है लेकिन इसके साथ है, तो क्या करेंगे 24 को हम लिखेंगे डेसिमल लगा के, फिर 0 0 बढ़ा लेंगे, ठीक, 2 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ डेसिमल के आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद 1 2 digit है, इसलिए डेसिमल के बाद 2 0 यहाँ बढ़ा लिए। अब क्या करेंगे डेसिमल के नीचे डेसिमल कॉपी करेंगे, ओके, और डेसिमल से पहले क्या है, डेसिमल से पहले 0, सो यहाँ पे 0, और डेसिमल के बाद 0 और 1, सो 0 1, और ऐड कर दीजिए, ये लीजिए, सो 0 plus 1 1, बहुत सारे बच्चों को आता होगा, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ, 0 plus 0 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 plus 0 4, और यहाँ पे 2, सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज 24.01, दिस इज योर आंसर, करेक्ट। तो ये हमने आपको लगाया, बताया क्या, आइडेंटिटी नंबर 2 लगाकर। अब आइए हम आपको बता देते हैं, हालांकि उन्होंने पूछा नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी नंबर 1 लगा के भी हम आपको बता देते हैं, करेक्ट। चलिए देखते हैं क्या होता है, देखिए बच्चों हमने क्या किया, 4.9 का होल स्क्वायर क्या लिखा, 4 plus 0.9। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a की जगह 4, b की जगह 0.9, सो a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 into a into b यानी कि 2 into 4 into 0.9, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 0.9 का स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट, थोड़ा छोटा छोटा है, एडजस्ट करिएगा। नाउ 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 into 4 करना, 4 का स्क्वायर में बच्चों 4 into 2 मत कर देना, 4 4 16 होता है, ओके 16, और प्लस 2 4 8 8 9 72, लेकिन पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल आएगा 7.2, और प्लस 0.9 का स्क्वायर तो 9 9 81 होता है, ठीक, और क्योंकि 0.9 into 0.9 जब करोगे, 0.9 into 0.9 जब आप करोगे, आप करके चेक करना, पीछे से एक डिजिट 2 digit छोड़ के डेसिमल, यानी कि यहाँ डेसिमल और यहाँ आएगा 0, करेक्ट। अब आप इन तीनों नंबर्स को ऐड कर सकते हैं क्या, तो आइए हम आपको ऐड करके दिखाते हैं क्या क्या नंबर से, बच्चों चेक करिए, 16 को आप क्या लिखोगे पता है, 16 को आप लिखोगे 16.00, उसके बाद 7.2 को ऐड करना है 16 में, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल कॉपी करेंगे, और डेसिमल से पहले 7 था, डेसिमल के बाद क्या था 2 था, उसके बाद 0.81, ठीक, सो यहां लिखेंगे 0.81 और ऐड कर दीजिए, देखते हैं कितना आता है, 0 plus 1 1 8 plus 2 10, 10 का 0 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, और डेसिमल यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, 6 plus 1 7 7 plus 7 14, और 14 का 1 यहाँ जाएगा, 1 plus 1 2, ये लीजिए 24.01, फिर भी हमारा आंसर आ गया 24.01। यानी कि यहाँ से हमने ये सीखा कि इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी नंबर 1 लगा के भी किया जा सकता था, आइडेंटिटी नंबर 2 लगा के भी किया जा सकता था, लेकिन पता है मैं क्या फील कर रहा हूँ, ये ज़्यादा ईजी मैथड था 2 वाला, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 0.1 का स्क्वायर करना था जो कि इजी है, 0.1 का स्क्वायर करना इजी, मतलब 1 into 1 1 आ जाता, और 1 लिखते हैं फिर 2 digit के पहले डेसिमल लगा देते, ये आसान था, आसान तो ये भी है, 0.9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.81, तो आपको जैसे करना हो वैसे कर लो, लेकिन इन्होंने बोला था यूजिंग दिस, इसलिए हमने इस तरीके से किया, बट इसको ऐसे भी कर सकते थे, तो सिखाना मेरा काम था वो मैंने आपको सिखा दिया है। अब एग्जाम में अगर उसने बोल दिया कि भाई इसको यूज करो तो इसको कर लेना, इसको यूज करो इसको कर लेना, कुछ नहीं बोला तो आपकी मर्जी है, ठीक, आप फर्स्ट वाले से करो चाहे सेकंड वाले से करो, ठीक है।